क्या आपको पता है कि रात में कभी सफेद चादर ओढ़कर क्यों नहीं सोना चाहिए? क्या आप जानते हैं कि अगर आप जिंदगी में कभी अपने बालों की कटिंग नहीं करवाएंगे तो उससे एक 724 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण किया जा सकता है। आप अपनी स्क्रीन पर जो सैंडल देख रहे हैं इसकी कीमत 22 करोड़ से भी ज्यादा है, लेकिन ये इतना महंगा क्यों है? क्या आप एक ऐसे पत्थर के बारे में जानते हैं जो वजनदार होने के बावजूद भी पानी में नहीं डूबता है? या फिर क्या आपको ये पता है कि फरवरी में 28 दिन ही क्यों होते हैं और हर 4 साल बाद 29 दिन कैसे हो जाते हैं? अगर नहीं तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। फैक्ट नंबर 1, अगर सड़क किनारे बैठे या रेलवे स्टेशन पर भीख मांग रहे व्यक्ति को देखकर आपको भी तरस आ जाता है और आप उन्हें कुछ रुपए दे देते हैं, तो ऐसा करने से पहले उस व्यक्ति के बारे में अच्छी तरह से जानकारी जुटा लें। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भारत में भीख मांग कर पेट भरने वाले कई लोग आपसे एक या दो नहीं बल्कि कई गुना अमीर हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ऐसा ही एक अमीर भिखारी मुंबई में रहता है जिसका नाम भरत जैन है और वह मुंबई की सड़कों और रेलवे स्टेशन पर बैठकर लोगों से भीख मांगता है, जिसकी बदौलत यह महीने के 75,000 रुपए तक कमा लेता है। यह रकम इतनी ज्यादा है कि आप में से बहुत से लोगों की सैलरी भी इससे मेल नहीं खाती होगी। इतना ही नहीं, इस आदमी ने भीख मांग कर 7.5 करोड़ रुपए की संपत्ति भी जुटा ली है। इसके अलावा भारत के मुंबई जैसे महंगे शहर में 2 फ्लैट भी हैं जिनकी कीमत 2 करोड़ रुपए तक है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि भरत जैन दुनिया के सबसे अमीर भिखारियों में से एक है, जिसने अपनी गरीबी का नाटक करके न जाने कितने ही लोगों को उल्लू बनाया और उनसे पैसा इकट्ठा कर लिया। ऐसे में अगर आप भी भिखारियों को पैसे देते हैं तो ऐसा मत कीजिए, बल्कि इसकी जगह पर आप उस व्यक्ति को खाना या कपड़े दे सकते हैं जो उसके काम भी आ जाएगा और वह हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ भी नहीं कर पाएगा। फैक्ट नंबर 2, अगर आपको लगता है कि आपके बालों की ग्रोथ अच्छी नहीं है और आप बार बार उनकी कटिंग करवाते रहते हैं तो शायद आप पूरी तरह से सही नहीं हैं, क्योंकि दुनिया में एक औसत इंसान के बाल हर साल में इतने बढ़ते हैं कि अगर वह उनकी रेगुलर कटिंग ना करवाए तो उससे कई किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण किया जा सकता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। एक रिसर्च से पता चलता है कि अगर इंसान अपनी पूरी जिंदगी में एक बार भी अपने सिर के बाल नहीं कटवाता है तो वह 724 किलोमीटर तक लंबे हो जाएंगे। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। यह आंकड़ा इतना ज्यादा है कि इससे एक लंबी सड़क बनाई जा सकती है और एक शहर से दूसरे शहर की दूरी भी आसानी से तय की जा सकती है। फैक्ट नंबर 3, अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हैं या फिर बहुत ही मुश्किल काम कर रहे हैं तो उस स्थिति में आपको अपने किसी करीबी व्यक्ति से कुछ देर बात कर लेनी चाहिए। दरअसल ऐसा करने से मुश्किल और स्ट्रेस झेल रहे व्यक्ति को काफी आराम मिलता है और वह अपना काम अच्छी तरीके से पूरा कर पाता है, क्योंकि जब हम किसी व्यक्ति से प्यार करते हैं तो सिर्फ उसकी आवाज़ सुनने से ही इंसान की 70% समस्या अपनी आप हल हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अपने करीबी व्यक्ति से बात करने पर इंसान के शरीर में लव हार्मोन विकसित होने लगते हैं जो एक पेन किलर की तरह काम करते हैं। यही वजह है कि तनाव और स्ट्रेस के दौरान हमें अपने पार्टनर के साथ रहना और बात करना अच्छा लगता है, फिर चाहे आप कितनी ही परेशानी में क्यों ना हो। फैक्ट नंबर 4, क्या आप भी रात में सफेद चादर ओढ़कर सोते हैं? तो इस फैक्ट को अच्छे से जान लीजिए। यह एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है जो इंसान के डर और सोने की आदत से जुड़ा हुआ है। अगर आपको रात के समय अंधेरे कमरे या अकेले सोने में डर लगता है तो ऐसी स्थिति में आपको भूलकर भी सफेद रंग की चादर या कंबल ओढ़कर नहीं सोना चाहिए। दरअसल सफेद रंग की चादर ओढ़कर सोने से शरीर में नकारात्मक हार्मोन्स की संख्या बढ़ने लगती है, जिसकी वजह से व्यक्ति को नींद में मर जाने या फिर बुरे सपने आने का डर लगने लगता है। इसलिए अगर आपको भी रात में डर लगता है तो हल्के रंग की कोई भी चादर ओढ़कर सोएं। ऐसा करने से दिल और दिमाग को शांति मिलती है और बुरे ख्याल नहीं आते हैं। फैक्ट नंबर 5, ये तो हम सभी जानते हैं कि रोल्स रॉयस एक बहुत ही लग्जरी और महंगा कार निर्माता ब्रांड है जिसकी कार्स खरीदना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पुराने समय में एक ऐसे भारतीय राजा भी थे जिन्होंने इस कंपनी की कारों से कूड़ा उठवाया था? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। महाराजा जयसिंह प्रभाकर सन 1920 में किसी काम से लंदन गए थे, जहाँ उन्होंने राजा के कपड़े छोड़कर एक सामान्य व्यक्ति के कपड़े पहने और अकेले घूमने के लिए निकल गए। इस दौरान उन्हें रोल्स रॉयस का कार शोरूम दिखाई दिया। राजा कार लेने के मकसद से शोरूम के अंदर चले गए, लेकिन वहाँ के सेल्समैन ने उन्हें गरीब भारतीय समझकर बाहर जाने के लिए कह दिया। राजा जयसिंह को इस बात पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन वह बिना कुछ कहे शोरूम से बाहर चले गए। इसके बाद राजा अपने शाही वस्त्र पहनकर शोरूम में गए और 7 गाड़ियों का ऑर्डर दे दिया, जिसके बाद उन्होंने सभी कारों को भारत में उनके राजमहल में डिलीवर करने को कहा और साथ में उस सेल्समैन को भी आने का हुक्म दिया। इस तरह राजा के कहने पर लंदन से सभी गाड़ियों को अलवर लाया गया, जहां राजा ने सभी गाड़ियों से नगर पालिका का कचरा उठवाया।
इस पूरे नजारे को देखकर वह सेल्समैन भी शर्मिंदा हो गया था, जिसके बाद पूरी दुनिया में ये बात फैल गई और रोल्स रॉयस की कीमतों में कमी आने लगी, क्योंकि सभी लोग उन कारों को कचरा उठाने वाली गाड़ियों से कंपेयर करने लगे थे। हालांकि इस ब्रांड ने एक बार फिर बाजार में पकड़ बना ली है। फैक्ट नंबर 6, ये तो हम सभी जानते हैं कि कार और बाइक समेत ज्यादातर वाहन डीजल या पेट्रोल की मदद से चलते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि फ्यूल से चलने वाले इंजन का आविष्कार किसने और कब किया था? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि दुनिया को डीजल से चलने वाले इंजन देने का काम जर्मन आविष्कारक और मैकेनिक रुडोल्फ डीजल ने किया था, जिन्होंने सन 1885 में डीजल से चलने वाला पहला इंजन तैयार किया था। हालांकि उस समय किसी ने भी उनके आविष्कार पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, जिसकी वजह से रुडोल्फ को लगने लगा कि उनका आविष्कार सफल नहीं हो पाएगा। इसी प्रेशर में आकर उन्होंने 29 सितंबर 1913 को सुसाइड कर लिया था। लेकिन रुडोल्फ नहीं जानते थे कि भविष्य में उनके द्वारा डिजाइन किया गया इंजन ही इंसानी सभ्यता को आगे बढ़ने में मदद करेगा। आज ज्यादातर वाहनों में डीजल इंजन मौजूद होता है, जो गाड़ियों को चलाने में मददगार साबित होता है। फैक्ट नंबर 7, आज तक आपने कई तरह के महंगे ब्रांड्स के सैंडल के बारे में सुना होगा और उन्हें इस्तेमाल भी किया होगा, लेकिन क्या आपने कभी ऐसे सैंडल के बारे में सुना है जिसकी कीमत 22,14,32,100 रुपए से भी ज्यादा है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि दुनिया का सबसे कीमती सैंडल का नाम हैरी विंस्टन रूबी स्लीपर्स है, जिसकी कीमत $3 मिलियन है। इस कीमती सैंडल को साल 1989 में द विजार्ड ऑफ ओज की 50वीं सालगिरह पर बनाया गया था, जिसमें ढेर सारी डायमंड और 1,500 रूबीज लगाई गई हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस सैंडल का साइज नंबर भी 4 है, जिसकी वजह से यह सैंडल हर महिला के पैर में फिट नहीं हो सकता है। फिलहाल इस कीमती सैंडल को म्यूजियम में रखा गया है, जहां लोग इसकी खूबसूरती और बनावट को देख सकते हैं। फैक्ट नंबर 8, इस दुनिया में यूं तो बहुत से हादसे होते रहते हैं जिसमें कई लोग अपनी जान गंवा देते हैं, लेकिन कुछ हादसे इतने डरावने या रहस्यमय होते हैं कि उनके बारे में सोचकर किसी को भी डर लग सकता है। ऐसा ही एक हादसा हुआ डोमिनी नामक एक व्यक्ति के साथ, जिन्होंने अपने जीवन की सारी जमा पूंजी लगाकर एक नई कार खरीदी, जिसकी नंबर प्लेट पर 5V.17.32 लिखा हुआ था। डोमिनी को लगा कि यह कार उनके लिए गुड लक और अच्छा भविष्य लेकर आएगी, लेकिन इस कार पर उनकी मौत की तारीख छपी हुई थी। डोमिनी की मौत 17 मई 1932 को हुई थी, और अगर आप उनकी कार की नंबर प्लेट पर ध्यान देंगे तो आपको समझ आएगा कि उस पर यही तारीख लिखी हुई थी। इस फैक्ट को जानने के बाद हम कह सकते हैं कि इंसान की जिंदगी का कोई भरोसा नहीं होता है, इसलिए हर पल को खुलकर जीना चाहिए। फैक्ट नंबर 9, आमतौर पर जब हम पानी में पत्थर डालते हैं तो वह अपने वजन की वजह से पानी में डूब जाता है, लेकिन इस दुनिया में एक ऐसा पत्थर भी पाया जाता है जो पानी में कभी भी नहीं डूबता है और सतह पर ही तैरता रहता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, इस पत्थर का नाम प्यूमाइस स्टोन है, जो आमतौर पर शरीर की सफाई के लिए स्क्रब के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा नहीं है कि प्यूमाइस पत्थर वजनदार नहीं होता है, लेकिन इसमें मौजूद मिट्टी के कण इतने बारीक और हल्के होते हैं कि इसका वजन दूसरे पत्थरों के मुकाबले हल्का हो जाता है। यही वजह है कि प्यूमाइस स्टोन पानी में नहीं डूबता है और सतह पर ही तैरता रहता है। फैक्ट नंबर 10, आप में से बहुत से लोगों के दिमाग में ये सवाल आता होगा कि फरवरी में 28 दिन ही क्यों होते हैं और 4 साल में 29वां दिन अपने आप कैसे जुड़ जाता है। ये सवाल अपने आप में जितना रोमांचक है, इसका जवाब भी उतना ही ज्यादा मजेदार है। दरअसल हम जिस कैलेंडर का इस्तेमाल करते हैं वह एक नया रोमन कैलेंडर है, जिसे रोमन किंग न्यूमा पोम्पिलियस द्वारा बनाया गया था। पुराने रोमन कैलेंडर में एक साल के अंदर सिर्फ 10 महीने ही हुआ करते थे, जिसमें 304 दिन शामिल थे, लेकिन बाद में किंग ने कैलेंडर में 2 नए महीने शामिल कर दिए, जिन्हें जनवरी और फरवरी नाम दिया गया। इस तरह एक साल में 12 महीनों का प्रचलन शुरू हो गया, जिसमें 304 की जगह 367 दिन हो गए। हालांकि जब नया कैलेंडर बनाया गया तो उसे लेकर लोगों ने विवाद करना शुरू कर दिया था, क्योंकि कोई भी त्योहार सही समय या महीने में नहीं आ रहा था, इसलिए फरवरी महीने से 2 दिन कम कर दिए। इस तरह एक साल में 12 महीने और 365 दिन तय किए गए, जिसके तहत पूरी दुनिया में त्योहार मनाए जाते हैं। इस कैलेंडर को सूर्य की परिक्रमा कर रही पृथ्वी को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, क्योंकि पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर लगाने में 365 दिन और 6 घंटे का समय लगता है। ऐसे में हर साल में 6 घंटे बच जाते हैं, जिन्हें फरवरी के महीने में जोड़ दिया जाता है, और इस तरह 4 साल में एक बार फरवरी में 28 की जगह 29 दिन की होती है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि फरवरी महीने में 28 या 29 दिन होने के पीछे क्या साइंस और मैथ्स छुपा हुआ है। तो इस जानकारी को जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।